दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां विगत दिनों नई गढ़ी के जोधपुर में अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले युवकों को तालाब की देखरेख कर रहे इंजीनियर हरीश शर्मा की स्कॉर्पियो ने रौंद दिया था। इस घटना में जहां कमलेश उपाध्याय की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं सोनू उपाध्याय संजय गांधी अस्पताल में अभी भी जीवन और मौत के बीच जहोदहत कर रहा है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अगस्त क्रांति मंच के द्वारा सोनू के जीवन की हिफाजत और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है। आइए आपको सुनाते हैं अगस्त क्रांति मंच के लोगों ने क्या कहा और किस तरह की मांग कर रहे हैं। एक आर्यन जायसवाल जो टीवी विंध्या ऐसे करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं समाचार, और वो खर्रा में एक तालाब का कवर करने गए थे जहां पे जेसीबी और ट्रैक्टर से काम हो रहा था। वो जैसे सवाल कर रहे थे, उनको मारने की धमकी दी गई है। वो सारी रिकॉर्डिंग कलेक्टर महोदय तक पहुंची है, सीओ तक पहुंची है, लेकिन कोई कार्यवाही न होना इसका मतलब है कि खुला संरक्षण है ऐसा करने के लिए। मध्य प्रदेश की सोचिए, अमृत तालाब योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है कि जो अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में, और एक सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उस पर इस तरह का भ्रष्टाचार है। और विपक्ष जिन योजनाओं के नाम पे अपने गाल बजाता है उससे खुला चैलेंज है। आप किसी दिन डिबेट में खड़ा कर दीजिए कि वो चाहे नल जल दिखा दें, मुख्यमंत्री नल जल दिखा दें, या जल जीवन मिशन दिखा दें, खेल तालाब दिखा दें, मेड़ बंधान दिखा दें, सुदूर सड़क दिखा दें और शौचालय दिखा दें जहाँ इनका हुआ हो। एक एक गाँव में पानी के नाम चार चार पाँच पाँच करोड़ के घोटाले हो गए हैं। आप भी समाज से लोग हैं, आपके भी लोगों को भी जरूरत है भविष्य में हवा पानी की, आज भी है। इस मुद्दे पे मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी बगैर दबाव के इस बात को जनता तक और ऊपर, ये नरेंद्र मोदी जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में, उनसे भी बात की जाए कि आके। मुख्य बात ये है कि अभी हाल ही में जो घटना हुई है उस घटना के संदर्भ में भाई साहब ने कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से, स्थानीय प्रतिनिधियों से सबसे मदद चाही, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है किसी ने कोई मदद करने के लिए हाथ ऊपर नहीं किया। इन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी हमारे संगठन ने, और इसको एक सोशल मीडिया में एक कैंपेन चलाया। कैंपेन चला के उस गरीब के लिए हम कुछ धन एकत्रित कर सकें जिससे उसका इलाज हो सके, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग जितनी राशि की आवश्यकता थी उसकी आधी आवश्यक राशि तक 70-80 हज़ार रुपये तक हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन उसको इलाज के लिए जो सोनू उपाध्याय अभी विंध्या हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता हो रही है। ऐसे किसी एक सोनू उपाध्याय की बस की बात नहीं है। इस तरह से अगर हम कोई भी अपनी बात अपने जहन में रखते हुए अगर उसको गाल करते हैं, बोलते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हमारे खिलाफ़ हमले होंगे या हमें मार दिया जाएगा, ऐसे डर का माहौल बनाया जाएगा? तो ये बहुत ही गलत बात है। आप हमारे स्तंभ हैं, मजबूत स्तंभ हैं। आपके माध्यम से मैं अपनी वेदना को प्रकट करना चाहता हूँ।